चलिए इसी बीच बड़ी खबर चरखी दादरी से आ रही है, जहां रोडवेज कर्मचारी सरकार के फैसले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चरखी दादरी से, जहां सरकार के फैसले पर भड़क गए हैं रोडवेज कर्मचारी, सड़कों पर आ गए हैं। 510 प्राइवेट बसों के टेंडर रद्द करने का यह फैसला वापस लेने को कहा जा रहा है। वर्कशॉप में गेट मीटिंग करके 2 घंटे का रोष प्रदर्शन किया है। प्रदीप साहू संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ मांगे हैं और सरकार किस फैसले पर भड़क गए? देखिए आदित्य, ये हरियाणा रोडवेज की जो निजी बसों को, हरियाणा रोडवेज के बेड़े में निजी बसों को शामिल करने का ये टेंडर था जो सरकार द्वारा जो रद्द कर दिया गया था, और 500 बस निजी बसें हैं जो हरियाणा रोडवेज में जो शामिल होनी थी, और इस पूरे मामले को लेकर सरकार द्वारा टेंडर को रद्द कर दिया गया था। और अब एक बार फिर सरकार द्वारा वो टेंडर रद्द करने की प्रक्रिया जो वो फैसला वापस ले लिया है, और इसी के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा आज दादरी डिपो में गेट मीटिंग की और 2 घंटे का रोष प्रदर्शन किया। साथ के साथ कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया कि सरकार अपने जो टेंडर रद्द करने का जो फैसला वापस लिया उसको रद्द ही करे, वरना आने वाले दिनों में कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। साथ के साथ यह भी उन्होंने ये कहा कि 22 सितंबर को पानीपत के इसराना में परिवहन मंत्री के जो वहां का क्षेत्र है वहां पे कर्मचारी, पूरे प्रदेश भर के रोडवेज के कर्मचारी एकजुट होंगे और उसी दौरान बड़े आंदोलन की भी घोषणा की जा सकती है। तो मतलब साफ तौर पर समझा जाए कि जो कर्मचारी हैं वो इस बात से विरोध जता रहे हैं कि जो प्राइवेट बसों को बात सहमति करने की बात थी वो जो है मांग खारिज की जाए। बिल्कुल, कर्मचारियों का स्पष्ट रूप से है कि जो टेंडर रद्द जो हुआ है वो टेंडर रद्द ही रहने दिया जाए, ना कि उसको फैसले को वापिस लिया जाए। तो सरकार के लिए बड़ी पचुपेस की स्थिति होगी, क्योंकि उधर लोग ये चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट बसें उनको शामिल किया जाए, और इधर रोडवेज कर्मी कह रहे हैं अगर शामिल किया गया तो हम विरोध करेंगे। देखिए, तालमेल जो कमेटी है उसकी सरकार से पहले भी वार्ता हुई है, और इस दौरान जिस तरह सरकार ने ये फैसला वापिस लिया है तो उसको लेकर तालमेल कमेटी द्वारा ही अधिक उच्चाधिकारियों से भी बातचीत हुई है, और उसके बाद में ही इस तरह का निर्णय लिया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।